हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट इंडियन पेंटिंग्स। हमने देखा कि जो इंडियन पेंटिंग्स थी उनका डेवलपमेंट हमने प्री हिस्टोरिक टाइम से देखा। प्री हिस्टोरिक टाइम की पेंटिंग्स के तीन फेजेस थे। अपर पैलियोलिथिक, जहाँ पर जो कलरिंग थी वो मेनली जो गेरू और मिनरल्स का इस्तेमाल करके करते थे। उसके बाद मीजोलिथिक फेज में ज़्यादा फोकस रेड कलर पर था। उसके बाद जो चारकोलिथिक फेज आया, चारकोलिथिक फेज में हमने देखा कि पेंटिंग ज़्यादा बनने लगी, वॉर सीन्स का डिपिक्शन होने लगा, एनिमल्स में हॉर्सेस और एलिफेंट्स का डिपिक्शन देखने को मिला। इस टाइप के फेज की पेंटिंग हमें नरसिंहगढ़ में देखने को मिलती है। और जो एंशियंट इंडिया था उसकी पेंटिंग के एविडेंसेस हमें जो हिंदू और बुद्धिस्ट लिटरेचर सोर्सेज है वहाँ से पता चला कि वो कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करते थे, जैसे लेखा चित्र, लेप्या चित्र, धोली चित्र, इन सब के बारे में पता चला। हमें पता चला कि एंशियंट इंडिया में जो पेंटिंग्स की थीम थी वो जनरली हिंदुज़म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म के रिलेटेड अराउंड रिवॉल्व करती थी। और ज़्यादातर जातक स्टोरीज़ के अराउंड थीम्स भी ली जाती थी। अजंता केव्स, एलोरा केव्स, लेपाक्षी केव टेम्पल, जहाँ पर हमें कंप्लीट एब्सेंस देखने को मिलता है प्राइमरी कलर्स का, वो देखने को मिला। और अरम्मा मलाई केव्स में हमें जैन ट्रेडिशन देखने को मिला। तो हम बोल सकते हैं कि जो एंशियंट टाइप्स की पेंटिंग्स थी वहाँ पर मुराज ज़्यादा बनते थे। मुराज मतलब वो पेंटिंग्स जो वॉल्स पर की जाती थी। और धीरे धीरे जो मुराज थे उनमें हमें एनिमल्स, फ्लावर्स और बर्ड्स का मोटिव देखने को मिला। और जैसे जैसे मेडिवल इंडिया आया हमें मिनिएचर पेंटिंग्स ज़्यादा फ्लरिश होती हुई दिखने को मिली। मिनिएचर पेंटिंग्स मतलब जो ज़्यादा छोटी थी और मतलब ज़्यादा डिटेल्ड थी। मेडिवल इंडिया में जो मुगल और दिल्ली सल्तनत थे उसके अंदर जो पेंटिंग्स डेवलप हुई उसके अंदर हमें पर्शियन और अरेबिक इन्फ्लुएंस देखने को मिला। जो पेंटर्स थे उन्हें पेट्रोनेज मिलना स्टार्ट हो गया था। और अकबर और जो हुमायूं के टाइम पे जो फेमस पेंटर्स थे दशवंत और बसावन, उन्होंने काफ़ी टेक्सचुरल इलस्ट्रेशंस किए। जहांगीर के टाइम पर भी पेंटिंग्स में काफ़ी मतलब क्लाइमैक्स देखने को मिलता है जहांगीर के टाइम पे। जहांगीर खुद एक पेंटर थे, उनके टाइम पे हमें 3D इन्फ्लुएंस देखने को मिला पेंटिंग्स में। औरंगजेब के टाइम तक आते आते हमने देखा कि जो पेट्रोनेज था वो मिलना बंद हो गया और जो पेंटर्स थे वो अलग अलग जगह पर जाने लगे, जिसकी वजह से अलग अलग स्कूल डेवलप हुए, जैसे राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग और मारवाड़ स्कूल ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर जो अलग अलग स्कूल थे जैसे मारवाड़, मेवाड़ और अजमेर स्कूल, ये भी फ्लरिश हुए। पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग देखने को मिला। जो राजस्थानी स्कूल ऑफ पेंटिंग था उसमें हिंदू गॉड और गॉडेसेस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, लोटसेस के मोटिव बनाए जाने लगे। जो मेवाड़ स्कूल था, मेवाड़ स्कूल के अंदर हमें तमाशा पेंटिंग देखने को मिली जिसमें कोर्ट सेरेमोनीज दर्शाए जाते थे। उसके बाद जो मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग था, मारवाड़ स्कूल ऑफ के अंदर दो अलग स्कूल थे, किशनगढ़ जिसकी जो फेमस पेंटिंग है बानी थानी वो काफ़ी फेमस हुई। उसके बाद जो बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट था वो भी किशनगढ़ स्कूल, वो भी मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट के अंदर मारवाड़ के अंदर आता है। और हमने देखा जो पहाड़ी पेंटिंग थी उसके अंदर जो बशोली स्कूल ऑफ आर्ट था उसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशंस पर काफ़ी ध्यान दिया जाने लगा, आइज़ थी वो बड़ी बड़ी बनाई जाने लगी। और जो कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट था उसमें दशवंत नाम के जो पेंटर थे वो काफ़ी फेमस हुए और कृष्णा की पेंटिंग्स पर ज़्यादा फोकस होने लगा। मेडिवल पीरियड के अंदर हमें अलग एक रगमाला मिनिएचर पेंटिंग भी देखने को मिली, ये काफ़ी फेमस थी। इसमें हमें कम्बिनेशन देखने को मिलता है राग्स का, पोइट्री का और जो क्लासिकल म्यूजिक है उसका। और जो मेडिवल पीरियड था उसके अंदर जो मिनिएचर पेंटिंग थी वो साउथ के अंदर भी काफ़ी फेमस हुई, जैसे तंजौर मिनिएचर पेंटिंग, मैसूर मिनिएचर पेंटिंग। जो तंजौर मिनिएचर पेंटिंग थी उसमें हमने देखा कि जो पेंटिंग्स थी वो ग्लास और वुडन प्लैंक्स पर की जाती थी, उसमें जेम स्टोन्स का इस्तेमाल भी होता था। और जो मैसूर पेंटिंग थी, मैसूर पेंटिंग में हमने देखा उसके अंदर हमने देखा कि गैसो पेस्ट का इस्तेमाल होता था और टू और मोर गॉड फिग्राइंस का इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि जो पेंटिंग्स थी उसके अंदर यूरोपियन इन्फ्लुएंस आने लगा, जो पेंटिंग्स को वेस्टर्नाइज किया जाने लगा। पेंटिंग्स में हमने देखा कि ऑयल कलर का इस्तेमाल होने लगा, वाटर कलर का इस्तेमाल होने लगा और वेस्टर्न एलिमेंट्स का मतलब इफेक्ट देखने को मिलता था, जैसे कंपनी पेंटिंग्स के अंदर वाटर कलर का इस्तेमाल हुआ और एक्जोटिक फ्लोरा फोना को दर्शाया गया। उसके बाद जो बाज़ार पेंटिंग्स थी जो काफ़ी फेमस थी बंगाल और बिहार के एरिया में, वहाँ हमने देखा कि ग्रीक और रोमन इन्फ्लुएंस काफ़ी था पेंटिंग्स के अंदर। इंडियन इन्फ्लुएंस हालांकि इतना नहीं था, उसमें प्रोहिबिट करते थे, जो डबल फेसेस वाले गॉड्स वगैरह थे उनकी पेंटिंग्स को प्रोहिबिट करते थे। उसके बाद हमने देखा कि जो फेमस पेंटर्स थे जैसे राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर और जो शांति निकेतन की फाउंडेशन हुई, नंदलाल बोस जिन्होंने अपनी पेंटिंग का इन्फ्लुएंस जापान से भी लिया। 1943 में जब World War II हुआ तो उस टाइम काफ़ी जो फेमस पेंटर्स थे उन्होंने सोशल कंडीशंस को दर्शाना स्टार्ट कर दिया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो पेंटिंग्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ और आज वो कैसे एक मॉडर्न पेंटिंग जैसे क्यूबिक स्टाइल वगैरह को अपनाया और ज्योमेट्रिक इन्फ्लुएंस हमें आज देखने को मिलता है। इंडिया के पेंटिंग्स में हमें इन पेंटिंग्स के अलावा काफ़ी जो
रीजनल पेंटिंग्स हैं वो भी देखने को मिलती है, जैसे फोक पेंटिंग्स। फोक पेंटिंग्स में काफ़ी फेमस है मधुबनी पेंटिंग, कलमकारी पेंटिंग। कलमकारी पेंटिंग जो काफ़ी है मतलब फेमस है आंध्र प्रदेश की, पट्टचित्र पेंटिंग, पटुआ पेंटिंग, ये सारी अलग अलग टाइप की फोक पेंटिंग्स देखने को मिलती है। काफ़ी अलग अलग फ्लोरल डिज़ाइंस देखने को मिलते हैं अलग अलग नेम से अलग अलग इंडिया में। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंडियन पेंटिंग का एवोल्यूशन और ये था। और अगले पार्ट में हम जानेंगे कि फोक पेंटिंग्स क्या होती है और उनके बारे में, उनके काफ़ी फेमस इंडिया की पेंटिंग्स, फेमस पेंटर्स, उनके लाइफ वगैरह के बारे में। थैंक यू।